हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 11 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8 नवंबर को। प्रत्येक साल 8 नवंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। यह दिन रेडियोलॉजी के उस मूल के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है जो सुरक्षित रोगी देखभाल में योगदान देता है और स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता में महत्वपूर्ण भूमिका रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर की सार्वजनिक समझ में निरंतर सुधार करता है। विश्व रेडियोलॉजी दिवस पहली बार साल 2012 में मनाया गया था। चलिए अब आपको नवंबर माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिव्यू कराते हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, 8 नवंबर को वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे और वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पर किसने शपथ ली है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्री यशवर्धन कुमार सिन्हा जी। यशवर्धन कुमार सिन्हा ने 7 नवंबर 2020 को मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर शपथ ली है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में सिन्हा के शपथ दिलाई है। इस साल 26 अगस्त को बिमल जुल्का का कार्यकाल पूरा होने के बाद इन्हें मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली पड़ा था। सिन्हा ने 1 जनवरी 2019 को सूचना आयुक्त का पद संभाला था। वे ब्रिटेन और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की उपस्थिति में होना है या 2 दिवसीय समारोह के रूप में होना है। PWD सचिव के मनिवसन तमिलनाडु सरकार की ओर से राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त करेंगे। चलिए अब आपको तमिलनाडु के बारे में बताते हैं। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री तिरु ईडापट्टी के पलानी स्वामी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री बनवारीलाल पुरोहित, कैपिटल चेन्नई, फर्स्ट सीएम ए सुब्बारायलु रेड्डियार, फर्स्ट गवर्नर एडवर्ड नाई जी। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 32। मेन फेस्टिवल है पोंगल। बात करें तमिलनाडु का हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस है अमरेश्वर प्रताप शाही जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, यह मैप में तमिलनाडु। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किसने JCB साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस हरेश जी। मलयालम लेखक एस हरेश ने अपने उपन्यास मॉशचेज के लिए JCB साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है। इसके अनुवाद अंग्रेजी में जयश्री कलाथिल द्वारा किया गया और इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। साहित्य में दिया जाने वाला JCB साहित्य पुरस्कार को भारत में सबसे महंगा साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार के तहत मलयालम लेखक को 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और अनुवादक को 10 लाख रुपए अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं मलयालम लेखक एस हरेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ऑप्शन नंबर ए, केरला।
केरल हाल ही में पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का एक हिस्सा बन गया है और अब यह राज्य साक्षरता कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय फंड्स प्राप्त करेगा। पढ़ना लिखना अभियान केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया पढ़ने और लिखने का अभियान है। इसका लक्ष्य 2030 तक देश में पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। चलिए अब आपको केरल के बारे में आते हैं। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, कैपिटल तिरुवनंतपुरम, फर्स्ट सीएम ईएमएस नबुडीप्राट, फर्स्ट गवर्नर बुरगुल्ला रामकृष्णा राव जी, लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, टोटल डिस्ट्रिक्ट का 14। केरल का हाईकोर्ट केरल में ही है। चीफ जस्टिस हैं एस मणि कुमार। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, यह मैप में केरला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस देश में 120 वर्षों में पहली बार 500 मीटर ऊंचा कोरल रीफ खोजा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। सिम्ट ओशन इंस्टीट्यूट के अनुसार इसके अनुसंधान पोत फलकोर ने ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ में बड़े पैमाने पर प्रवाल भित्ति की खोज की है। अनुसंधान पोत ऑस्ट्रेलिया के आसपास के महासागर के 12 महीने के अन्वेषण मिशन का कार्य कर रहा है। 500 मीटर ऊंची इस चट्टान को 120 वर्षों में पहली बार खोजा गया है। इस संस्थान के अंडरवाटर रोबोट सुबास्टियन को नए रीफ का पता लगाने के लिए तैनात किया गया है। चलिए अब आपको ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। प्रेसिडेंट स्कॉट मॉरिसन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेशनल 26 जनवरी, हाइस्ट माउंटेन माउंट कोशिशको। नेशनल गेम की बात करें तो कहा जाता है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, मैप में ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में हाल ही में कौन शामिल हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विदिशा मैत्रा। भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न की सलाहकार समिति यानी कि एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस के लिए चुना गया है। यह चुनाव बहुत ही कड़ा मुकाबला रहा, जिसमें एशिया प्रशांत समूह एकमात्र पद के लिए मैत्रा को 126 संयुक्त राष्ट्र सदस्य अपना समर्थन किए, जबकि विपक्षी उम्मीदवार जो इराक से थे 64 का समर्थन मिला। भारत 1946 में इसकी स्थापना के बाद से समिति का सदस्य रहा है। इस समिति में भारत की जीत तब मानी जाएगी जब भारत संयुक्त राष्ट्र समूह सुरक्षा परिषद के 10 गैर स्थायी सदस्यों के रूप में 1-2 साल की अवधि के लिए एक सीट लेने में कामयाब होगा, जो 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही है, ये हैं विदिशा मैत्रा जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस राज्य में देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। राज्य के 20वें स्थापना दिवस 9 नवंबर 2020 को चिन्हित करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा डोबरा चाटी झूला सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल 725 मीटर लंबा और इसे 14 सालों में टिहरी झील के ऊपर 2.95 करोड़ रुपये की लागत चलिए अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस राज्य का हॉर्नबिल फेस्टिवल इस साल वर्चुअली मनाया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। नागालैंड सरकार ने देश में बढ़ते कोविड-19 के मामलों के चलते इस वर्ष हॉर्नबिल महोत्सव वर्चुअली मनाने का फैसला किया है। इस महोत्सव को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। इसे हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागा जनजातियों की संस्कृति, विरासत, भोजन और रीति रिवाजों को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। इस महोत्सव को राज्य की 16 जनजातियों एक साथ मिलकर अपनाई परंपराओं और को परंपराओं नृत्य करके मनाते हैं। 10 दिवसीय पर्व में दुनिया भर के पर्यटक शामिल होते हैं। चलिए अब आपको नागालैंड के बारे में बताते हैं। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, गवर्नर श्री आर एन रवि, कैपिटल कोहिमा,
फर्स्ट सीएम पी सी लुआओ, फर्स्ट गवर्नर विष्णु सहाय जी। लोकसभा और राज्यसभा सीट एक, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 11। बात करें नागालैंड का हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं जय लांबा जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में नागालैंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पेट्रोनेट एलएनजी का अगला नया अध्यक्ष कौन होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एके सिंह जी। इंडियन ऑयल कॉर्प के निदेशक पाइपलाइन अक्षय कुमार सिंह देश के सबसे बड़े गैस आयातक पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी होंगे। वह प्रभास सिंह का जगह लेंगे जिन्होंने हाल ही में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। पेट्रोनेट आईओसी कंपनियों के पास प्रत्येक कंपनी में 12.5% हिस्सेदारी है। इसके अध्यक्ष तेल सचिव हैं। पेट्रोनेट गुजरात और कोच्चि में केरल में तरलीकृत प्राकृतिक गैस आयात टर्मिनल संचालित करता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस राज्य की तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने असम की तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिए जाने की घोषणा की है। हालांकि जीआई टैग सूची में लीची का नाम 2015 से शामिल था। जीआई टैगिंग के लिए 28 अगस्त 2013 को उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड द्वारा आवेदन किया गया था। चलिए अब आपको असम के बारे में बताते हैं। असम का गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी, कैपिटल दिसपुर, फर्स्ट सीएम गोपीनाथ बरदोलोई, फर्स्ट गवर्नर मोहम्मद साले अकबर हैदारी। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, स्टेट रिवर है ब्रह्मपुत्र, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 27। बात करें असम का हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में असम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक का मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में कहा कि उसने रमेश लक्ष्मी नारायण को अपने अगले मुख्य सूचना अधिकारी यानी कि सीआईओ के तौर पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पहले के सीआईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर शशिधर जगदीशन के अंडर उसके द्वारा घोषणा की गई पहली बड़ी नियुक्ति है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं रमेश लक्ष्मी नारायण। चलिए अब आपको एचडीएफसी बैंक के बारे में बताते हैं। एचडीएफसी का फुल फॉर्म है द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, हेडक्वार्टर मुंबई। इसकी स्थापना अगस्त 1994 को हुई थी। सीईओ आदित्य पुरी जी, चेयरमैन दीपक पारेख जी। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने एक ही रॉकेट से 13 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाइना। चीन ने ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 6 कैरियर रॉकेट से 13 उपग्रहों को सफलतापूर्वक भेजा है। इसमें अर्जेंटीना के 10 उपग्रह शामिल है और इस प्रक्षेपण को चीन द्वारा विदेशी उपग्रहों का सबसे बड़ा प्रक्षेपण कहा जा रहा है। यह लॉन्ग मार्च रॉकेट श्रृंखला द्वारा 351वां लॉन्च था। चीन ने 90 पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को लॉन्च करने की भी योजना बनाई है। चलिए अब आपको चाइना के बारे में बताते हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रेनमिनबी, नेशनल लेक अक्टूबर, हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में चाइना। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स रिवीजन करते हैं। एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका का 46वां राष्ट्रपति हाल ही में जो बिडेन जी बने हैं। बात करें त्रिपुरा भारतीय राज्य ने प्रवासी पक्षियों की विशेष रूप से आमूर भाजों के शिकार के लिए विरुद्ध चेतावनी जारी कर दी है। वेस्टइंडीज के माइकल होल्डिंग को हाल ही में एक
उपन्यास लिखा गया है। डेनियल मेडवेडेव ने पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता है। पुराने वाहनों सहित सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग 1 जनवरी 2021 से अनिवार्य हो जाएगा। विश्व शहरीकरण दिवस 8 नवंबर को मनाया गया। नवंबर 2020 में बेंगलुरु, जो कि भारत में है, वर्चुअल टेक समिट आयोजित किया जाएगा। बात करें इंडिया देश के चुनाव आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय आभासी चुनाव आगंतुक कार्यक्रम आयोजित किया है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैव धर्म। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कहाँ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कौशाम्बी। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टेटिक क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सिस्का ग्रुप ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार राव जी को। हाल ही में किसने UPI पेमेंट्स के लिए 5 बैंकों के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, व्हाट्सएप। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस फिल्म निर्माता का COVID-19 के कारण निधन हो गया? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।